कुल्लू बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ और मैं निकल रहा हूँ भीड़ पार्क वाली तरफ। इस वाली बस पे आया भाई, मैं पहुंचा हूँ सोलो नाला। फिर ये वाले सूज भाई सारे के सारे गिल्ले हो चुके यहाँ पे, ये डेरा है इनका। बीरबल की खिचड़ी है, बनेगी नहीं आज। और इनकी भाई एक भेड़ मर गई है, मैं तो खाऊंगा नहीं, चाहे इसमें स्मेल हो चाहे नहीं। कैसे कैसे खड़ी है इनकी बकरियां। चल रही तो मान जी साहब, पूरे के पूरे गिल्ले हो चुके हैं इस टाइम पे। ए मिली हमारे छोटू भाई से, जय 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 भाई। छोटू भाई पूरा गिल्ला हो गया है। छोटू भाई कैसी बारिश है? बहुत। मोबाइल चार्जिंग लगा रहा पूरे भाई। अच्छा अच्छा। ओ यार भाई बहुत ज्यादा मुश्किल जिंदगी है भाई इन लोगों की। मैं मजे लेने आया हूँ यहाँ पे। छोटू रहने दे, मोबाइल कर ले आना भाई, मराने दे। चोर है, ले आ ले आ, फिर ले आ, छाता ले जा, ठहरुक एक मिनट। ऐसे ना छोटू भाई को हमने ना भाई छाता दे दिया, वो उसका मोबाइल है चार्जिंग पे लगा हुआ कहीं, उसको लेने जा रहा है कहीं। और मैं मुझे लेने आया यहाँ बारिश में, और भाई इनके बहुत बुरे हाल है। भाई अभी डिनर बनाने की तैयारी लगी है, प्याज टमाटर काट लिया गया है। अनबोल होने छल थर बोल दूध दे था, ये पता तो लगी गया छलर चाह पीती ने बंदे। उतरा बंदा सब कुछ है ना, तेने पीछे लेटेगी वो ना मामटी छोड़ दे इस बीड़ी को इसकी, अब मैं वो भी नहीं बची एक, छोड़ दे कि कान के साथ लगाने फिर पीनी है भाई। अपनी स्टोरी सुना रहे, बोला ससुराल गया उतरना था बस, मैं कहीं और ही कहीं उतर गया, पहुंच गया बंदा। मैं तो मैं चल गया नाला गड़ा उतर, ठीक है चल गया। इधर बाइक के कमरे कने सगाटा सगाटा पकड़ी बस कने सो गया था। अभी तो कल कर पहुंची था, परसों जाएगा तो कल की जगह पहुंच गया। ऐसे कर बेटा बंदा बैठा और मनाली पहुंच गए, जब तो सोया हुआ बंदा सीट में मामा, बढ़िया। सारी सवारियां उतर गई, मैं भी उतर गया बाहर। हाँ फिर मैंने इसको बाहर से ऐसे खिड़की से वो मैंने लो मामा उठ क्या, फिर उठा बंदा बोलो हो मैं कहाँ पहुंचा हुआ, मैं मनाली पहुंच गए। ऐसा दशरथ मान जी है भाई, बस में बंदा बैठाने की नींद आई नहीं, पूरा भीगा हुआ है, पूरा गीला है बेचारा, क्या करना मान जी ने यार। मोबाइल भी गया पानी में, खुद भी गया पानी में, खुद भी गया पानी में, कहाँ जाना अब। दशरथ मान जी जा रहे हैं बकरी का दूध निकालने, थोड़े बहुत सूखे थे अभी चूल्हे के पास इधर बैठने से, और अब फिर जैकेट गुम हो गई। बकरी का दूध निकालने जा रहे हैं मान जी जी यार, खाना बन रहा है यहाँ पे, तड़का लगाया जा रहा है। लिली जी चल चल आ जा, क्या आलू है इधर, बहुत बढ़िया चल रहा है मामा जी। हाँ वो टमाटर काटे इतने कटे हैं ना। हाँ किस आल दिया कल रही नहीं ना, क्या आल दिया आज, बस कलर नहीं होता, क्या चक्कर है, डुप्लीकेट होनी है। भाई ऐसी ऐसी कड़छी रखी हुई है ना, ये लोहे की बनी हुई कड़छी है, पूरी काफी बड़ी कड़छी है। ये कैसी हल्दी है मामा जी,
ना ना ये ऐसे पीला कलर नहीं देती है, कुछ और ही कलर देती है यार। ये तो बेकार हल्दी है कोई। मामा जी डालो आप टमाटर होने खुद फिर साथ में। हाँ टमाटर दो कर पाए है, दो टमाटर डाल दो कुछ नहीं है। इसमें क्या मामा जी दौरा है ना, तब क्या करना। क्या बोल रहे देगी मिर्च? हाँ देगी मिर्च मामा जी, इसमें मिर्च होनी फिर। मिर्च ज्यादा? हाँ कलर हुआ तेरा यार। इसमें डालो फिर जमी गिरी लगा अंदर एक्सपायर तो नहीं होगी। मत ज्यादा तो नहीं होगी मामा जी, थोड़ा पानी डालो इसमें। पाई दो माड़ा जोड़ा क्या नमक वो टमाटर क्या करने मामा जी, एक टमाटर डाला आपने। नहीं नहीं पाई ना पानी माड़ा जी। हाँ ये भाई आज भेड़ का मीट बना रहे हैं, चक दे काम इन्होंने आज यार। मामा ठहरा एक मिनट मिनट ठहरा पाई दो चला इस। अब देखा पानी एक मिनट रुक गया। भाई मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक से ये छेड़ा दे रहा हूँ इसको। छेड़ा देना बोलते हैं हम इसको जो मैं कर रहा हूँ। कोई चक्कर नहीं को। भाई मजेदार था एक दा। तो भाई ये बनाया जा रहा है यहाँ पे मटन। मटन क्या बोलेंगे इसको भाई, भेड़ का मीट है ये मतलब। अब पता नहीं मटन बोलेंगे क्या बोलेंगे, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं इस बारे में। और मैं तो भाई गलती से भी नहीं खाऊंगा ये, मैंने मतलब यार छोड़ ही दिया। अब मैं नहीं खाना यार, भेड़ बकरियों से प्यार हो गया मुझे, और ऐसे मीट खा लेना अच्छी बात नहीं है यार। ये तो कोई मसाला टाइप है भाई, इन्होंने काफी सारे मसाले रखे हुए हैं। दौरा ये तो मिर्च मामा जी, ये हल्दी होनी, ये अमचूर है और ये देगी मिर्च, ये खा लिया कोई तगड़ा मसाला है। नैनीताल से आया भाई, नैनीताल से आया हुआ मसाला उत्तराखंड में नैनीताल। हल्दी भाई इन्होंने ना मसाले रखे हुए दबा के ही रख दो। आपने मामा जी बोल रखा हिंग ना रखा हुआ आपने? अरे मामा जी आप ना वो रखा करो, क्या बोलते हो उसको जो परे होता है रतनजोत। हाँ वो बड़ा अच्छा कलर के लिए। उसको पता कैसे मामा जी, ऐसे गर्म पानी में डालेंगे ना उसको, उसका कलर निकलेगा ना, तो वो डालना फिर खाने में, फिर देखो तुम क्या ही कलर आना फिर। कलर आना बड़ा सही जबरदस्त। भाई ये ना खाना लगे थे बनाने, धुआं धुआं हो गया यहाँ पे। और इनके कुत्ते चले गए पर नाले वाली तरफ को। दशरथ मांझी लगा रहे हैं आवाज। ये आया छोटू भाई यहाँ पे, छोटू भाई धुआं धुआं हो गया। तो ये देखो ना कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज्यादा। ये बोल रहे हैं कि कोई भालू भुल्लू आ गया होना। सच में
तो आपने बात नहीं की? तब की ना, तब हो गया थोड़ा, तब रुक गया। नाम लेना नहीं था भाई, ले आए दशरथ मां जी। मां जी दिखाना कितना दूध निकाला? वो आज नहीं निकाला। तो क्या किया? इसको बकरियां नहीं मिली एक दो। तो यार मां जी बस इतना ही? चलो मां जी इतना बहुत है, आपने इतना किया यार। और ये हाल है भाई छोटू भाई का, देखो आप छोटू भाई को। छोटू भाई गिल्ले हो गए सारे पूरे भाई, जूते जाते भाई के। छोटू भाई की ये देखो तुम, लोअर पूरी मतलब ये गिल्ली हुई है पूरी की पूरी। ओहो हो, छोटू भाई ऐसे सुखाने कपड़े अब है, बदलने नहीं है, ऐसे सूखेंगे। हाँ आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। और इधर रोको, क्या जानना जब भी ठंडा लड्डे अंदर भाई, इतनी बारिश चल रही है आज ना, ये देखो एक छोटा सा बच्चा और आ गया भीग के। ओए बारिश में रिस्क न ले, तो मेरे बूढ़े क्या बंक पीते थे, मैं अड़ी बार खंदर आ गया। ये तो भाई पूरा कट्टा इकट्ठा हो गया है मेरे ऐसे। फिर का देखा लो या मामा छोटू मांझी मामटी पूरे का देखे, छोटू भाई देखे रेखा रात तू से आ रहे इस टाइम ना। बस देखो बंदा भाई पूरा गिल्ला है यहाँ से, ये सारा मतलब गिल्ला है बारिश में, क्या करना। अभी भाई रात का टाइम है, शायद 8 बज रहे होने हैं और हम डेरे में ही हैं। इधर छोटू भाई और दशरथ मान जी आ गए हैं, तो अभी ये चाय चूहे लगे हैं बनाने फिर से। हमने तो पी लिए वैसे चाय एक बार। छोटू भाई फेरी सुनाओ सारी लाइफ था पर ना थे। ओहो हो ये तो भाई डाणी वाली चीनी है, तो होनी है। ओए यार किधर ही डाणी वाली ये किसी के रे मामा जी। भाई बंदे ये एक चीनी खा रहे हैं गद्दी, जबकि ये सबसे महंगी चीनी है, ये डाणी ग्रुप है, ये सबसे टॉपर। हाँ अडानी लिमिटेड। हाँ भाई अडानी का है, अडानी का ये अडानी बना रहा है चीनी। वो भाई वो 65 रुपए की, मैं लेके आया आपके लिए 40 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ मोल मोल मूल में से कहीं लाए उठा के इसको दया थोड़ी जी केड़ा टेस्ट है थोड़ी दया थोड़ी बस 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 बोलो ना 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 ये भाई ऐसी ऐसी चीनी अदानी की। चाय बनेगी भाई, चाय पियेंगे बंदे। अब बिस्किट तो नहीं खाने आपने? बिस्किट हाँ खा लेते हैं ना, बिस्किट पार्टी करते हैं। अरे मैंने तो पीनी थी चाय। बार भाई बारिश चल रही है बिल्कुल, मैंने के लिए बिस्किट लेके आया था वो यार इनने भाई पूरे कपड़े गंदे कर दिए इनकी इन्होंने। लो मित्रों और कटना कुछ
फूड डैम में जो कुछ नहीं ठीक है। अपनी होंगी अपनी नजर सामने कुछ भी है तो जब कुछ नहीं होगा ना हाँ भाई पता नहीं क्या क्या है। तो भाई आज शाम के टाइम ना हमने दूसरी बार मैं बिस्किट खा रहा हूँ और ये चाय पी रहा हूँ। बंदे बुरदे बोला भाई तेरी मार्केट में ऐसे बिस्किट मिलते हैं, मैं क्या ही करूँ यार बजट मेरा थोड़ा ढीला है। तो 10-10 रुपए वाले बिस्किट लेके आया था, पर वैसे मतलब दो पैकेट में 10-10 वाले लेके आया था, एक गुड्डे लेके आया था और एक ये लेके आया था, दो मैगी लेके आया था। तो बस ऐसा ऐसा है वो मामटी तो भाई सब्जी तो बना रही इन्होंने और मतलब जैसे कि हमने चाय चुए पी अभी तो कुत्ते भाई इनके सारे आ गए हैं यहाँ पे। इन्हें दे रहा है दिखने का बट मैं देख रहा हूँ कि एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। शिल्पा पता नहीं शिल्पा गायब है, कहाँ गई हुई है। और ये देखो आज इन्होंने चावल कैसे रखे हुए हैं यहाँ पे, वही लकड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी पहले भाई, मतलब वो उन्हीं पे चावल रखे हुए हैं बनाने के लिए। थोड़े थोड़े सूख गए हमारे छोटू भाई और दशरथ मान जी भी थोड़े बहुत सूख ही गए अब चारे। मान जी सूखे कि नहीं सूखे? सूखी गए ना यार। और ये बच्चा इनका बकरी का भाई, ये नहीं सूखा बाकी दुनिया सूखी सारी, इसके तो बाल बूढ़ा से खड़े हुए जैसे भाई ना। हाँ जब छोटू भाई वो रहेंगे जब हम सो जाएंगे ना तो ये बकरी का बच्चा क्या करेगा कि यहाँ आ जाएगा चूल्हे के पास, यहाँ जैसे बैठ जाएगा आराम से। त्रिपालों पर पानी खड़ी है ठाना। तो भाई कहाँ गई मैगी, कहाँ गई मैगी? इधर घूम रहे थे। तो भाई मैं खाऊंगा मैगी और ये लोग खाएंगे, मतलब ये मटन बना रहे हैं ना, वो भेड़ का मीट बना रहे हैं भेड़ का, तो वो ये खाएंगे। तो उस वाले बर्तन में हम बनाएंगे मैगी, हम इसका चूरा मूरा करेंगे फिर बनाएंगे इसको। छोटू भाई पानी डालो ना इसमें सीधे सीधे, पानी जब उबल जाएगा तब डालेंगे मैगी मसाला सब कुछ और ठीक डाल देना। हाँ बस भाई ये खतरनाक मैगी बनेगी आज। ओहो हो जबरदस्त बारिश चल रही है भाई और ऐसी जैसी जगह पे मतलब भीड़ पालकों के साथ हम मैगी खाएंगे, साथ में चावल भी खाएंगे मैगी के साथ, नए नए चीज़ें करेंगे हम। छोटू भाई भाई मैगी बनाएंगे आज स्पेशल। वो छोटू भाई डूब जाने नहीं या उस बाल को करो आगे जैसे छोटू भाई रखियो ना स्नेह सी लवा। चल ठीक है यहाँ डूब गया था कोई चक्कर नहीं है। और कुत्ते भी अंदरों बड़े कराए आज तो मामा जी। भाई ये देखो इनके डॉगी ना, ये बारिश चल रही है पूरा ये भीग गया हुआ है, इसको देखो तुम एक बोदड़ा हुआ वहाँ पे मतलब छुपा हुआ है। नहीं नहीं माँ नहीं थक के आऊँ। ओ भाई ऐसे जैसे मैगी लगी है बढ़ने ऐसे फंसा दिया ना लकड़ी के बीच इसको, ये हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे। पकड़ा मोबाइल पकड़ा ही है। ओ लो लो
इस बीच सारा मेरा हाथ बस तो यहाँ करना है सोना बस तो पकड़ना मैं यहाँ यहाँ बस पाई देना है बह हाँ पाई देना उबड़ गई ये मैगी मसाला निकाल लिया मैंने ऐसे हाथ में ना और इसको डाल देंगे सारा पाई जाना है पर ले तू सही पाना अपने मसाले अंदर इतना कर पावा तुसे भाई बारिश चल रही है मैगी खाएंगे हम ओहो हो गजब क्या मामा तो भाई ये अपनी मैगी बन गई यहाँ पे वो भाई गर्म है ये मत और अब खाना खाएंगे हम यहाँ पे ये सारे इधर को अपने बंदे फुकुन रखना तो साना प्यारे हो छोटे भाई फुकू जाए अगली बारी थी ना कोई बात नहीं फुकू भाई इनके पास एक यंत्र होता है एक औजार होता है फूक देने के लिए चूल्हे में फुक्कू बनता है जब भी कोई बकरी मर जाती है या भेड़ कोई भी तो उसके खाल का बनता है वो ऐसे पंप होता है वो दिखाया मैंने कई बार पहले वाली वीडियो में क्या घूम है छोटू भाई क्या है उसमें अच्छा अच्छा परे बना उसमें आ रहा थोड़ा थोड़ा साफ करें ना हो जाना ये क्या लिखी रहा क्या लिखा